किस पर करता है तू जुल्म की इंतहा ए जालिम, किस पर करता है तू जुल्म की इंतहा ए जालिम, कि जिसके बग़ैर तेरा और ना इस कनात का मुमकिन भी नहीं है वजूद। पिछले साल पाकिस्तानी 15 साल लड़की को जो कि स्कूल जा रही थी उसे कत्ल करने की कोशिश की गई थी। यह सिर्फ तशद्दुद ही नहीं था बल्कि लड़कियों को तलीम के हसूल से रोकने की कोशिश भी थी। मैं पाकिस्तान की एक नौजवान लड़की हूँ और तलीम हासिल कर रही हूँ और पाकिस्तान की दूसरी लड़कियों के लिए भी तलीम का हसूल यकीनी बनाना चाहती हूँ। एक तो मेन रीज़न ये है कि घर से जो स्कूल्स और कॉलेज हैं वो बहुत दूर होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट का माहौल ख़राब है कि लड़के जो हैं रास्ते में तंग करते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम्स उनको स्कूल जाने से रोकते हैं। जब मैं स्कूल जाती थी तो लड़के छेड़ते थे, हम डर से घर में किसी को नहीं बताते थे कि घर वाले स्कूल जाने से मना कर देंगे। तो एक दिन दादा ने देख लिया था तो जब लड़के हमें छेड़ रहे थे तो घर जब आए थे तो उन्होंने मारा भी था, स्कूल जाना बंद कर दिया था हमारा। जिस टाइम मैं स्कूल से ड्रॉप हुई थी तो उस टाइम मेरी उम्र 12 साल थी। बहुत बुरा लगता जब मुझे वो वाक्य याद आता तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं अक्सर तन्हाई में रोती हूँ उस वक्त को याद करके। गंदम की कटाई और कपास की चुनाई के दौरान लड़कियां बाकायदगी से तलीम सेंटर्स में नहीं आ सकती क्योंकि उन्हें खेतों में अपने माँ बाप के साथ काम करना पड़ता है। वालदैन भी खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता तो कोई पढ़ाना ही नहीं चाहते, छोटी छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, तो बस यही वजह है सर। मेरी उम्र 15 साल है और मेरी सिस्टर की एज 14 साल है सर। उसकी शादी हो रही है सर, एक तरफ से दुख भी हो रहा है कि उसकी शादी हो रही है क्योंकि वो आगे पढ़ लिख ले और फिर उसकी शादी की जाए, इतनी कम उम्र में उसकी शादी हो रही है, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जड़े वेले बेटी की शादी थी वेंदी है तो उनके सवरे ये आदन के घर का काम संभाले, घर संभाले, खामद को संभाले, पढ़ाई पसंद नहीं करें दे। कई को लोग हैं जो पसंद नहीं करें दे। वो इसलिए तलीम हासिल करना नहीं देते कि वो कहते हैं लड़कियों के पढ़ जाने के बाद क्या हमने उनकी नौकरियां लगवानी है, क्या करेंगे पढ़ लिख कर, लड़कों का काम है पढ़ना लिखना, लड़कियों ने तो बस घर ही संभालना और क्या करना है। 2 साल पहले प्लान इंटरनेशनल ने लड़कियों की तलीम के हसूल के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स कायम किए हैं। इस वक्त 11,000 से ज़्यादा लड़कियां प्लान इंटरनेशनल के तहत कायम शुदा नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स में तलीम हासिल कर रही हैं। NFE सेंटर में टीचर्स भी अच्छी हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और जो हमें तालीम मुफ्त दी जा रही। दोस्त बस मजाक कर के हम तो बीमारे पढ़ के तरह, लेकिन मैं ये गाल को नहीं समझता क्योंकि मैं समझता कि पढ़ाई लाजमी है क्योंकि कोई गलत काम तो है कोई ना, तलीम शूर ही इंसान दे अपने तो बेहतरी वास्ते तलीम तो लाजमी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी जो है उनको एक तो तहफ़ फराम करती है और दूसरा जो है टेक केयर फराम किया जाता है, वो बच्चियों को स्कूल लगने से पहले ले आते हैं और स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चों को पहुँचा जाते हैं। अगर कोई बच्ची 5 दिन या 6 दिन तक एब्सेंट रहती है तो हम लोग सेकंड टाइम उनके पेरेंट्स के पास चले जाते हैं, उनकी रीज़न पूछने के लिए कि आपकी बच्ची सेंटर में क्यों नहीं आई। सर माहौल की गल होती हूँ उतना जो माहौल से वो जी उन्हें सोचना है क्योंकि उन्हें माहौल चेंज करना पड़ी तो वाल वही गलत कह रही सी कि उन्होंने औलाद ही पढ़े, शायद उन्हें तलीम का एहसास थे कि भाई तलीम अच्छी शायद होती है।
हम पाकिस्तानी लड़कियाँ भी और लड़कियों की तरह हैं, हमें नाचना कूदना खेलना और ये खूबसूरत फूल पसंद है। सबसे अहम बात यह है कि हम तालीम हासिल करना चाहती हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें और मुल्क कौम की तरक्की के लिए कुछ कर सकें। पाकिस्तान की एक नौजवान लड़की हूं और मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहती हूं कि पाकिस्तान की और तमाम लड़कियां भी तालीम हासिल करें। मैं ख्वातीन के तालीम के हासिल करने में हक़ में हूँ।